नमस्कार, मैं हूं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ सहारा में। आज हम आपको प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी दैनिक अखबारों ने हमेशा से जनता की आवाज बने हैं, जनता की समस्याओं को प्रमुखता से प्रकाशित किया है और फिर शासन प्रशासन का ध्यान समस्या के प्रति आकर्षित करना दैनिक अखबारों का नैतिक कर्तव्य है। अपने इन्हीं कर्तव्यों का दैनिक अखबारों ने कई वर्षों से पूरी ईमानदारी के साथ पालन किया है। धनपुरी की नगर के सपूत युवा पत्रकार अतीक खान बाबा ने ज्वाला जगाई है। उसी का नतीजा है कि युवाओं ने कोरोना काल में नगर की एक प्रमुख समस्या को लेकर काफी चिंतित हुए। समस्या बड़ी थी। धनपुरी नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सालय में एम्बुलेंस उपलब्ध न होने की वजह से धनपुरी नगर सपूत पत्रकार अतीक खान, मोहम्मद इमरान, असलम मामा, शहीद मार्बल और रजनीश सोनी, जावेद अशरफी, मोंटी पायलट इस मांग को काफी जोर शोर से अखबारों सोशल मीडिया पर उठा रहे थे। उन्होंने दैनिक अखबारों से अपील की थी कि नगर की समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाए। दैनिक अखबारों ने इन युवाओं की आवाज को प्राथमिकता दी और नगर की इस प्रमुख समस्या को वर्षों से एक एम्बुलेंस के लिए तरस रहा शासकीय अस्पताल धनपुरी को अलग अलग शीर्षक से प्रकाशित किया था। विधायक मनीषा सिंह ने धनपुरी को एम्बुलेंस की सौगात दी। अखबारों के माध्यम से युवाओं की आवाज जयपुर विधानसभा क्षेत्र की मनीषा सिंह तक पहुंची और उन्होंने एक सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस दी है। वहीं ज्वालामुखी मंदिर पहुंचकर सभी क्षेत्रवासियों के लिए मां की कृपा भी मांगी। आपको बता दें कि उन्होंने एम्बुलेंस देने के बाद मां के दरबार में पहुंचकर माथा टेका और क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य की दुआ मांगी। वहीं सौराग विधायक के साथ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व SDM धर्मेंद्र मिश्रा, नायब तहसीलदार भरत सोनी, डॉक्टर सचिन खारखुर, पत्रकार चंद्रेश मिश्रा, अतीक खान, मोहम्मद इमरान और नगर की पूरी टीम प्रमुख रूप से उपस्थित थी। तो चलिए, हमारे साथ इस खबर में इतना ही। बाकी प्रदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।